is fat can turn into muscle and muscle can turn into a fat. ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों का, तो ये लोगों को लगता है कि अब जिसको नॉलेज नहीं है या जो लोग सुनते हुए आ रहे हैं दूसरे लोगों से कि हमारा जो फैट है हम उसको मसल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का दिमाग में। तो कभी भी फैट मसल में कन्वर्ट में नहीं होता और मसल कभी फैट में कन्वर्ट नहीं होती, दोनों अलग चीजें हैं। मसल ग्रो अप कर रहे हो, मसल ग्रो करना चाहते हो आप, वो आप अच्छा डाइट करो, अच्छा वर्कआउट करो। फैट लॉस आप करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट आपको प्लान करना ही पड़ेगा। आपको एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा जिससे आपका फैट लॉस हो, मसल टोन हो, मसल गेन हो और अच्छी आपको बॉडी शेप मिले, बट वो कन्वर्जेशन नहीं हो सकता दोनों में। संजीव, देन देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन आई वुड टेक दिस लास्ट क्वेश्चन कि हाउ मच टाइम विल आई हैव टू पुट इन टू गेट अ गुड बॉडी? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन बॉडी टाइप। तो अगर आप एक बेसिक, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, आपका वेट 70 टू 80 के अराउंड अगर है और एक वेट आपका 100 प्लस है, तो दोनों के बॉडी टाइप्स और बॉडी वेट में कितना बॉडी फैट परसेंट है, कितना मसल मास है, तो इसके इस ऊपर ये डिपेंड होता है। और उनका एक्टिविटी लेवल कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई मैं आपको बोलूं, मैं आपको झूठ बोल के बोलूँ कि मैं आपकी 6 महीने में बॉडी एकदम परफेक्ट करा दूंगा, आप 6 महीने बाद मुझसे सवाल करोगे कि सर ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसको आप जितना टाइम दो, जितना पेशेंस रखो, उतना ज्यादा अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। परफॉर्मेंस को अपना अच्छा करो, पॉजिटिविटी रखो, वर्कआउट अच्छा करो, डाइट अच्छी लो।